In Max, chapter number 15, time. Today we are going to start with our new exercise, that is exercise number 5. This exercise is from textbook page number 151. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू आर. अब ये सम्स है, ये हमें कन्वर्ट डेज में दिए गए हैं, आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, राइट. यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए ये सम्स हम सी डब्ल्यू में करेंगे. नंबर 1 क्या दिया गया है, 4 डेज. 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स. सो 4 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 96 आवर. 4 डे में कितने आवर्स होते हैं, 96 आवर. नंबर बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 11 डेज. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 11 डे इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 264 आवर्स. 11 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 264 आवर्स. नंबर सी 15 डे, यस 15 डेज. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 15 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 15, 360 आवर्स. नंबर डी क्या दिया गया है हमारे पास, 30 डेज. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 30 डे इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 24, 720 आवर्स. नंबर ई क्या दिया हुआ है, 8 डेज 2 आवर्स. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 8 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 192 आवर्स. ये हमने डेज को आवर में कन्वर्ट कर लिया, और ये 2 आवर्स ऑलरेडी आवर्स में दिया गया है, तो हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर देंगे. 192 आवर्स प्लस 2 आवर, आवर आंसर इज 194 आवर्स. नंबर एफ क्या दिया हुआ है, 9 डेज 5 आवर्स. देखो ये डेज में है, ये आवर्स में है, पहले हम डेज को कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 9 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 9, 216 आवर्स प्लस 5 आवर्स. ये 5 ऑलरेडी आवर्स में दे रखा है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे. सो आवर आंसर इज 221 आवर्स. नंबर जी क्या दिया गया, 20 डेज 4 आवर. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 20 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2480 आवर्स. और 4 आवर्स ऑलरेडी आवर्स में है, इसीलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 480 प्लस 4 यानी कि 484 आवर्स. नंबर एच क्या दिया गया है, 6 डेज 5 आवर्स. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 6 डे इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 24, 144 प्लस 5, 149 आवर्स. नंबर आई 17 डेज 6 आवर्स, सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 17 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 17, 408 आवर्स प्लस 6 आवर्स. सो आवर आंसर इज 404 आवर्स. ये आई तक सोल्व हो गए, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रॉब्लम सम्स. अ ट्रेन टेक 2 to 3 आवर्स टू रिच द हैदराबाद, हाउ मच टाइम डज इट टेक इन आवर. ट्रेन है, उसको हैदराबाद पहुंचने में 2 days or 3 आवर्स लगते हैं, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक इन एन आवर, तो एक घंटे में उसको कितना कवर करेगी ट्रेन. सो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 day 3 आवर. 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, सो 2 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 48 आवर. 48 आवर प्लस 3 आवर, ये जो हमें दिए हुए हैं वो, यानी कि 51 आवर. सो ट्रेन कितने आवर में रीच करेगी, 51 आवर में. ओके नंबर 3 क्या दिया हुआ है, आई स्टे विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 5 डेज एंड 12 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्पेंड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. ओके क्या बोल रहा है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे 5 दिन और 12 घंटे रहने गया, सो हाउ मेनी आवर्स, सो कितने आवर्स मैंने स्पेंड किए होंगे. सेम वे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, सो 5 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 120 आवर. सो 120 आवर प्लस 12 आवर, 132 आवर. सो उसने कितने टाइम स्पेंड किया होगा, 132 आवर. सो आई स्पेंड 132 आवर विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. नंबर डी. नंबर 4, रीटा पोस्टेड अ लेटर टू हर कजिन, द लेटर रीच्ड हर कजिन आफ्टर 6 डेज, हाउ मेनी आवर्स डिड ही टेक फॉर द लेटर टू रीच द रीटा कजिन. अच्छा, लेटर को पहुंचने में 6 डेज लगते हैं, तो हाउ मेनी आवर्स,
तो कितने आवर्स लगे होंगे ये लेटर रीटा तक पहुंचने में? सो लेट्स स्टार्ट द सम. 6 days, 1 day इज इक्वल टू 24 hours. सो 6 day इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 144 hours. सो लेटर रिच्ड इन 144 hours. विथ दिस वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.